अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ क्रीमी शाही टुकड़ा, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर क्रीमी शाही टुकड़ा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बताती हूँ। यहाँ पर ब्रेड लेकर हूँ मैं, दो दो स्लाइस के हिसाब से लेकर हूँ मैं ब्रेड लेकर हूँ। यहाँ पर फ्रेश क्रीम, दूध, चीनी, बादम, किशमिश, पिस्ता पाउडर, कॉर्नफ्लावर पाउडर, यहाँ पर रोज सिरप, यहाँ पर वेनिला एसेंस, और यहाँ पर मैं दूध आधा लीटर दूध में यहाँ पर मलाई काट कर रखी हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा सा क्रीम इसमें मलाई में मिलाना है, इसीलिए ये ठंडी मलाई है, घर की है ये। अभी मैं बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले दूध को हमें गैस पर रखना है। यहाँ पर गैस ऑन कर ली हूँ, एक बर्तन को रख ली हूँ मैं, थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा बस। और यहाँ पर हमें दूध को डालना है इसमें। ये फैट वाला दूध है, गाढ़ा दूध है ये। अब इसे अच्छे से हमें पकने देना है। यहाँ पर दूध अच्छे से गर्म हो रहा है। यहाँ पर मैं अभी शक्कर को ले रही हूँ। यहाँ पर मैं एक कप बता रही हूँ, आधा कप इसमें ले रही हूँ। आपको मीठा देखकर डाल लेना आप, मैं आधा कप जितना ली हूँ मीठा देखकर ले लेना। मीठा ज्यादा खाना है तो मीठा डाल लेना, और डाल लेना। अभी इसे और थोड़ा सा पकाना है हमें, क्योंकि चीनी अच्छे से घुल जाना है दूध में। यहाँ पर दूध अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लावर पाउडर लेती हूँ, दो टीस्पून जितना मैं ले रही हूँ। आप यहाँ पर दो टीस्पून लेकर हो, ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, ज्यादा पतला भी इसे नहीं बनाना है। अब भी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ले रही हूँ, हमें इसका घोल बना लेना है, ज्यादा घट भी हमें नहीं करना है। यहाँ पर देखिए अच्छे से घुल गया है। अभी मैं इसमें दूध में मिला लेती हूँ। दूध में थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एकदम नहीं डालना है दूध में, आप गाढ़ा बहुत कम करके ही डालना गाढ़ा। यहाँ पर देखिए और थोड़ा मुझे चाहिए, मैं और थोड़ा डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर दो टीस्पून का हिसाब रख ली हूँ, मुझे दो टीस्पून बराबर से आ गया। आप देख कर डाल लेना, और चाहे गाढ़ा चाहिए तो आप और गाढ़ा इसमें बना सकते। यहाँ पर देखिए मुझे इतना ही गाढ़ा चाहिए, इसे और थोड़ा हमें पकाना है इसे। अब यहाँ पर मैं दो ड्रॉप वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। आपके पास नहीं है तो इलायची पाउडर भी आप डाल सकते हैं, ये खुशबू के लिए ये बहुत अच्छा रहता है, खुशबू भी अच्छी रहती है, खाने में भी अलग सा टेस्ट रहता है इसका। अगर नहीं है तो आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं आप। और यहाँ पर मैं रोज सिरप डाल रही हूँ थोड़ा सा, हमें कलर के लिए। यहाँ पर देखिए ऐसे कलर के लिए मैं रोज सिरप डाल रही हूँ, चार ड्रॉप मुझे बस। यहाँ पर देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है। अगर ये नहीं है, आपके पास ग्रीन है तो डाल सकते हैं आप, केसर कलर का भी आप डाल सकते हैं, आप जर्दा कलर रहता है वो भी आप डाल सकते हैं आराम से। इसे थोड़ा मैं और पका लेती हूँ, फिर मैं इसे उतार लेती हूँ। देखिए अच्छे से बबुल्स आ रहे हैं, अच्छे से ये बॉईल हो रहा है। अभी थोड़ा सा हमें इसे पका लेना है, थोड़ा सा। ये बहुत अच्छा रहता है, मैं पहले भी बनाकर हूँ शाही टुकड़ा, वो घी में, ब्रेड को घी में तलकर बताई हूँ। ये क्रीमी है ये बहुत अच्छा रहता है। ये भी शाही टुकड़ा बहुत अच्छा है, क्रीमी शाही टुकड़ा बहुत अच्छा रहता है। ये भी इसका ही टेस्ट अलग रहता है, ये भी खाने में अलग सा रहता है, बहुत मजेदार होता है। आप गर्मा गर्म में नहीं खाना है ये बनाकर इसे फ्रिज में रख कर खाना, ठंडा ठंडा, जैसे आप आइस खाते हो ऐसे। फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, रखकर इसे खाइए आप, और भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत टेस्टी रहता है, अच्छा रहता है। मेहमान आए तो बनाकर दीजिए, तभी भी अच्छा रहता है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर से कीजिए। जो भी नए हैं, देख रहे हैं नए, वो सब्सक्राइब नहीं करके हैं, जरूर से कीजिए सब्सक्राइब, जरूर से कीजिए। अभी इसे थोड़ा सा मैं पका लेती हूँ, थोड़ा सा ये पकना है। आपको कैसे मालूम होता है ये गाढ़ा, ये देखिए यहाँ चम्मच पर लगाए, यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे आ जाएगा, ये देखिए, ये इतना गाढ़ा मुझे बस है। अभी इतना ही गाढ़ा बना लेना, ये देखिए तैयार हो गया है। अभी मैं गैस को कर लेती हूँ बंद, ये देखिए इतना ही गाढ़ा चाहिए हमें, ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है, इसीलिए ये तैयार हो गया है। अभी इसे मैं रख लेती हूँ नीचे। यहाँ पर घर की मलाई है, मैं ये घर की मलाई निकाल कर रखी हूँ कल से। अभी इसमें हमें क्रीम को, फ्रेश क्रीम को मिला लेना है।
यहाँ पर तो पटाखे बहुत सारे, दीपावली है, बहुत सारे पटाखे चल रहे हैं, बहुत सारे आवाज आ रही है यहाँ पर। अभी क्रीम को, मलाई को हमें अच्छे से ये मिला लेना है। ये क्रीम भी बहुत घट रहता है, मिल्की मिस्ट है ये भी बहुत घट रहता है, अच्छा रहता है ये क्रीम भी, बहुत अच्छा है। ये देखिए जैसे कि मलाई है ऐसे ही है, देखिए ये भी मलाई के साथ ये भी अच्छे से मिल चुका है। इसे अच्छे से हमें मिला लेना है क्योंकि हमें ब्रेड पर लगाना है, इसीलिए ये यहाँ पर देखिए ये क्रीम तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए मलाई तैयार हो गई है। अभी हमें ब्रेड को लेना है, ब्रेड को ये साइड किनारे हमें कट करना है, ब्रेड के किनारे हमें कट करना है। ये कट करने के बाद ये वेस्ट नहीं होता है, ये किनारे वेस्ट नहीं होते हैं, आपके काम आ जाएंगे क्योंकि ये ब्रेड क्रम के लिए हो जाते हैं। थोड़ा सा आप गरम करके या सुखा कर आप इसे पीस कर रख सकते हैं। आप झटपट बनाना हो तो अभी से इसे पीस कर आप मिला सकते हैं। चारों कुदन मैं ऐसे कट कर लेती हूँ सारी ब्रेड को। यहाँ पर देखिए सारी ब्रेड को मैं ऐसे काट ली हूँ, साइड किनारे इसके काट ली हूँ। ये मेरे घर में ब्रेड वेस्ट नहीं होती है, इसके किनारे वेस्ट नहीं होते। जब भी मैं अच्छे सुखा लेती हूँ, थोड़ा सा ड्राई करके मैं इसे ब्रेड क्रम बनाकर रख लेती हूँ, एक कांच की बोतल में इसे रख लेती हूँ, मुझे बहुत काम आता है ये। अभी मैं बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पर देखिए ब्रेड को रख ली हूँ मैं ऐसे, अभी इस पर हमें क्रीम को लगाना है। यहाँ पर देखिए ऐसे, इसीलिए कहते हैं क्रीमी शाही टुकड़ा, बहुत बहुत अच्छा रहता है ये, बहुत अच्छा रहता है खाने में, माशाल्लाह बहुत अच्छा। आप जितना चाहे उतना आप मलाई या क्रीम डालकर खा सकते हैं। हाँ, आप क्रीम लेते हो, मलाई नहीं है, क्रीम लेते हो तो घट रहना है। क्रीम को आप एक बर्तन में निकाल कर रख कर ऐसे आप घट करके उसे डाल सकते हैं, ज्यादा पतला हुआ तो अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए हो गया ये। अभी इसे क्या करना है, हमें एक के ऊपर एक इसे, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा बादाम भी डाल सकते हैं, ये देखिए ऐसे, इसमें आपको जो ड्राई फ्रूट चाहिए आप डाल सकते हैं, डालकर इसे खा सकते हैं आराम से। अभी इसे क्या करना है, हमें एक के ऊपर एक इसे ऐसे रखना है, ऐसे यहाँ पर देखिए ऐसे। अभी एक जो प्लेट में आप सर्व करते हो वही प्लेट में इसे काटना है। अभी मैं निकाल कर बताती हूँ आपको। यहाँ पर मैं ये प्लेट लेकर हूँ। अभी इसे क्या करना है, सबसे पहले हमें आराम से धीरे इसे हमें कट करना है, धीरे से इसे कट करना है। यहाँ पर देखिए ऐसे, धीरे कट करना है क्योंकि इसमें क्रीम है, इसीलिए आप धीरे से कट करना है। यहाँ पर देखिए सारे से मैं मलाई लगा ली हूं क्रीम, अभी इसे हमें डालना है, इसे इसमें हमें डालना है। ऐसे ही डालकर बताती हूँ आपको। बहुत बहुत अच्छा रहता है, बहुत बहुत टेस्टी रहता है और बहुत खाने में बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर देखिए हो गया है, ये वेस्ट नहीं है, और ब्रेड है तो आप आराम से इसे बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं डाल चुकी हूँ क्रीम को अच्छे से। अभी यहाँ पर मैं पिस्ता पाउडर ली हूँ, थोड़ा सा पिस्ता पाउडर इस पर, इसीलिए कहते हैं क्रीमी शाही टुकड़ा, बहुत क्रीमी रहता है, बहुत माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा रहता है। आप इसे बनाकर खाकर देखिए, आप ट्राई कीजिए एक बार, आप ईद में बना सकते हैं इसे, मेहमान आने से बना सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर एक एक किशमिश रख रही हूँ, आप एक चाहे एक, दो चाहे दो, आप जितनी किशमिश चाहिए आप रखकर खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट आपकी मर्जी, ड्राई फ्रूट जो भी आप डालकर खा सकते खाइए, आप आराम से बनाकर खा सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं बादाम को ले रही हूँ, मैं पहले भी अंदर बादाम डाली हूँ मैं।
यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही अच्छा लगेगा, खाने में भी उतना ही अच्छा लगेगा। जिसे बना, जिसे नहीं मालूम है ये बना कर खाइए आराम से, बहुत ये सब बहुत इजी है। जो भी मैं रेसिपी डालती हूँ बनाने के लिए बहुत इजी है ये हमेशा बनता ही रहता है, ये हमारे घर में ईद में इसमें सब बनता ही रहता है ये। हाँ मैं बनाकर छोटे छोटे प्लेटों में बनाकर मैं फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रिज में रखकर इसे ठंडा ठंडा खाने से जैसा आइस खा रहे हो ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें क्रीम मलाई सब गई है ना, वैसा लगता है। जब भी बच्चे आते हैं ज्यादा बनाना है तो मैं 1 लीटर दूध पकने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि मुझे मलाई बहुत सारी चाहिए, इसीलिए बहुत सारी मलाई के लिए 1 लीटर दूध में पकाकर उसे बहुत कम करने से मलाई आपकी तैयार हो जाएगी। दूध पर जमने से नहीं मलाई आती, दूध को आप पकाकर बहुत सारे दूध को थोड़ा कर लीजिए, आपको मलाई इतनी बहुत आ जाएगी। ये बहुत अच्छा, इसे ट्राई कीजिए एक बार, ट्राई करके देखिए इसे। ये देखिए तैयार हो गया है क्रीमी शाही टुकड़ा तैयार। यहाँ पर देखिए मैं खाकर भी आपको बताती हूँ, यहाँ पर मैं बता रही हूँ ना, बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा रहता है। बहुत टेस्टी, बहुत आप फ्रिज में रखकर खाएंगे तो आइस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उतना टेस्टी लगता है। उसमें क्रीम गया है, मलाई गई है, माशाल्लाह बहुत बहुत टेस्टी है। ये देखिए आज मैं क्रीमी शाही टुकड़ा बनाई हूँ, ये बहुत इजी है, झटपट बनता है और बहुत टेस्टी है, खाने में माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है, आप एक की जगह दो भी आराम से इसे खा, बहुत अच्छा लगता है। आप फ्रिज में रखकर खाइए आइस के माफिक, जैसे आइस रहती है ऐसा लगता है, बहुत बहुत टेस्टी रहता है, बहुत यम्मी रहता है। आपके घर में मेहमान आते हैं, मीठा नहीं रहता, ब्रेड रहती है, तो आप फटाफट इसे बनाकर दे दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। हाँ क्रीम आपको ठंडा चाहिए तो आप जो मैं बताई हूँ बनाकर बताई हूँ क्रीम, वो भी आप फ्रिज में रखकर ठंडी ठंडी इस पर डाल सकते हैं, बनाकर इसे खाइए। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।